अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर रमीज, कार्डियो क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट इन नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट, और यू कैन कॉल इट एज ऑल इंडिया हार्ट इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली। टुडे इज वर्ल्ड हार्ट डे। आई विश सब लोगों का हार्ट हेल्दी रहे। द थीम ऑफ द डे इज यूज हार्ट नो हार्ट। मैं सब लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली के दैट हम लोगों ने एक स्पेशल कैंप ऑर्गेनाइज किया है भटमालू और करण नगर कश्मीर क्लिनिक्स में। इट्स अ फ्री कैंप ऑन दिस स्पेशल डे फॉर ऑल पेशेंट्स, लाइक जिनकी भी हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम, से फॉर एग्जाम्पल ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल या कोई सर्जिकल प्रॉब्लम, चाहे छोटे बच्चे हो जिनकी साइनोटिक स्पेल्स होती है जिसको हम कश्मीरी में नील कहते हैं, या किसी को हार्ट में कोई छेद हो, या कोई मेजर वेस्कुलर डिफेक्ट हो, या ट्रिपल वेस्कुलर डिजीज हो, या डबल वेसल डिजीज हो जिसको सर्जरी की जरूरत हो, बाईपास की जरूरत हो, या वेल्वुलर डिजीज हो, ऐसी जो भी प्रॉब्लम्स है, जो मरीज जो एफर्ट नहीं कर सकते हैं, या मतलब जो बार बार ये बोलते हैं कि भाई हमको दिल्ली जाना है ट्रीटमेंट के लिए जाना है, फिर जाके अफोर्डेबिलिटी के मसले होते हैं, वो फिर वहां पर दिल्ली में वो सब चीजें नहीं कर पाते। हमारा एक इंस्टीट्यूट है नेशनल हार्ट, वहां पर ये सब चीजें अंडर आयुष्मान जो गोल्डन कार्ड है उसके तहत ये सब चीजें ट्रीटमेंट फ्री होती है। तो हमारा कैंप भी है वहां पर, वहां पर हमारे चीफ डॉक्टर साहब आए हैं, वो वहां पर मरीज देख रहे हैं। आप जा सकते हैं, आप अपना इलाज कर सकते हैं, और जो ये वीडियो देख रहे हैं वो अपने लोगों को, जो उनके जान पहचान के लोग हैं, चाहे वो बच्चे हो या बड़े हो, जिनको सर्जरीज की जरूरत हो या जिनको सर्जरीज की जरूरत नहीं हो, उनको स्टेंट्स की जरूरत हो, वो वहां पर आए अपना चेकअप कराए, और ये जो आज की जो फैसिलिटी है वो इससे भरपूर फायदा उठाए। थैंक यू सो मच। और मैं एक चीज आज इस वर्ल्ड हार्ट डे पे आप लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ, वो ये है कि अपने हार्ट को हेल्दी रखे, अपने हार्ट को जाने, और कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड शुगर पे कंट्रोल करे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज के डाइट इज वेरी इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट इज डाइट। डाइट का खास ख्याल रखे, कौन चीजें खानी है कौन चीजें नहीं खानी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कुछ नहीं खाना है। ईट स्मार्टली। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। जी, दो चीज़ें मैं और इम्पॉर्टेंट ऐड करना चाहता हूँ, एक तो ब्लड प्रेशर और दूसरी है कि चेस्ट पेन। ब्लड प्रेशर एक अच्छी ऐसी बीमारी है मतलब जिसका इलाज, मुसलसल इलाज करना वेरी इम्पॉर्टेंट है। दवाई अहतमाम से खानी है, कोई दवाई में कोई छूट नहीं है, जैसे डॉक्टर साहब बताएंगे वैसी दवाई खानी है, तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा, तो स्ट्रोक वगैरह ये सब चीज़ों के चांसेस बहुत कम रहेंगे, आपके हार्ट किडनी वगैरह पे प्रेशर्स कम पड़ेंगे, तो उन पे इफेक्ट कम आ जाएगा जब तक आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल है। अगर आपने ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं किया तो आपके जो अदर ऑर्गन्स है जैसे आँख है, किडनी है, हार्ट है, तो इन पे प्रेशर बढ़ जाता है, तो ये भी फिर मुलवस हो जाते हैं। नेक्स्ट इज द चेस्ट पेन। कभी भी चेस्ट पेन को इग्नोर ना कर लीजिए। कभी हमको मैक्सिमम टाइम्स हमको लगता है कि मैं आदत तकलीफ गैस्ट्रिक की जिससे प्रॉब्लम है, तो पेंटॉप खा लेते तो इग्नोर कर लेते। नेवर इग्नोर चेस्ट पेन, प्लीज नेवर इग्नोर चेस्ट पेन। कभी भी जब किसी भी मरीज को या आसपास आप देखोगे किसी भी पेशेंट को चेस्ट पेन हो, उसको अर्ली रेफर कर लीजिए। रेफरल इज वेरी इंपॉर्टेंट, किस जगह पर पेशेंट को भेजना है। कभी भी किसी भी पेशेंट को ऐसे आप ऐसे इंस्टीट्यूट भेजते हो, प्राइवेट इंस्टीट्यूट भेजते हो, वहां पर ऐसे कैथ लैब की फैसिलिटी नहीं होती है, कार्डियोलॉजिस्ट नहीं होते हैं, तो वहां पर भेजना बेकार होता है। हमारे पास जो गोल्डन आवर्स होते हैं वो मिस हो जाते हैं, तो हम वेस्ट करते हैं, तो नतीजा ये निकलता है, देन हम बोलते हैं कि एमसीएस को सडन हार्ट अटैक यंग एंड ही डाइड, तो गलत बात है, हम रेफरल सही तरीके से नहीं करते। प्रेफरेबली आप एसएमएच जाया करें या स्किम जाया करें, या जहां पर आपकी ये कैथ लैब फैसिलिटीज हो,
वहाँ पर अर्ली जाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और कभी भी चेस्ट पेन को इग्नोर नहीं करना, कभी भी ये नहीं सोचना कि ये स्टमक की पेन है। अगर स्टमक की पेन भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हॉस्पिटल जाने में। प्लीज़ टेक केयर, थैंक यू।